नरसिंहपुर जिले की करेली कृषि मंडी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से आए दिन बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। इसके बाद भी मंडी परिसर में लगे कैमरों को ठीक करवाने के लिए मंडी प्रबंधन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि अब मंडी सचिव ने वही रटा रटाया जवाब दिया है कि जल्द ही कैमरों को ठीक करवाया जाएगा। आपको बता दें कि करेली का गुड़ प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, इसलिए नरसिंहपुर कलेक्टर ने करेली के गुड़ को भोपाल मेला में विक्रय के लिए रखा था और बहुत से किसान अपने अनाज और गुड़ को लेकर करेली मंडी में एक रात पहले ही लेकर आ जाते हैं और वो अनाज और गुड़ विक्रय के बाद करेली मंडी दो दो दिन तक अंधे कैमरों की निगरानी में रखा रहता है। बार बार करेली मंडी द्वारा कैमरों के मेंटेनेंस के नाम पर खर्च तो किया जाता है, लेकिन कैमरे आज भी बंद हैं। इन्हीं बंद कैमरों के कारण ही आए दिन चोरी होती है। ताज़ा मामला करेली के व्यापारी देवेंद्र मंडलोई का है, जिनका अनाज रात में चोरी हो गया। हालांकि उन्होंने पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन मंडी में कैमरे बंद होने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वो सब बंद हैं। व्यापारियों द्वारा भी आवाज उठाई गई, मैंने पर्सनल भी सेक्रेटरी साहब से बोला, सचिव महोदय से, इसकी शिकायत मैंने सचिव महोदय से भी आज से भी और पहले भी की, और पहले भी कई चोरियाँ होती हैं मंडी में जिसका कोई पता नहीं लग पाता है। सब ये जोहानिया इमलिया के लोग हैं, ये लोग करते हैं अधिकांश, उनके जानवर भी आवारा जानवर भी मंडी में घूमते रहते हैं, आवारा लोग घूमते रहते हैं, इसका कोई रोकथाम नहीं है इनके द्वारा। वहीं करेली मंडी सचिव का हमेशा की तरह वही कहना है कि कैमरों को चालू करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी इतनी कोशिशों के बाद भी कैमरे पिछले 5-6 महीनों से चालू नहीं हुए। ये तो अभी आपको उपेंद्र जी ने बताया, कुछ तो चालू हुई है, कुछ अभी महीने से बंद है जी। बीच में हमने नए कैमरों के लिए लिखा था, वो उन्होंने बारिंग डाली, उनको बंद कर दिया है कुछ कारण से। नहीं, ये चालू करने के लिए अभी हमने कार्यपालन यंत्री का वो एक लेटर आया, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं रख रखाव रखने के लिए, उनका सुधार हम करवा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि ये कैमरे कब तक चालू होंगे, या फिर से कोई चमत्कार होगा और कैमरे अपने आप चालू हो जाएंगे। लेकिन मंडी प्रबंधन की लापरवाही का नुकसान किसानों को अपनी फसल खोकर चुकाना पड़ रहा है। नरसिंहपुर से प्रभात मेहरा की रिपोर्ट।